18 मोटरसाइकिल जो है वो हमने 14 मोटरसाइकिल जब्त किए है और 4 जो ऑटो रिक्शा है वो जब्त किए है, उसमें शांतिनगर के 7 है, उसके बाद नारपोली के 2, नौपाड़ा के 2, भोईवाड़ा का 1, कोनगांव का 1, निजामपुरा का 1, कासार बड़ौली 1, खड़कपाड़ा 1, बाजारपेट 1, श्रीनगर 1, ऐसे 14 मोटरसाइकिल और 4 ऑटो रिक्शा हमने बरामद की है। उसमें लगभग 6,76,000 का जो मुद्देमाल है वो ताबे में लिया है और ऐसे टोटल 18 गुने जो है वो डिटेक्ट हुए। उसमें ये जो काम की है सीनियर पीआई शांतिनगर के शीतल राउत है, एडमिन पीआई जो किरण कबाड़ी है, क्राइम पीआई नितिन पाटिल, पीआई विक्रम मोहित है, पीएसआई रविंद्र पाटिल, पीएसआई भोसले शेड़के, किरण जादव पुलिस लाइन, पुलिस लाइन प्रसाद काकड़, पुलिस सिपाही अमोल इंगड़े, उसके बाद पुलिस सिपाही रविंद्र पाटिल, पुलिस सिपाही श्रीकांत पाटिल, इन सब लोगों ने किया है। आरोपी कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार? उसमें 2 आरोपी गिरफ्तार थे। नाकाबंदी का कहीं ना कहीं हमने देखते कि अच्छा परिणाम पुलिस को मिला है, अच्छा अच्छा आगे भी मुझे इस तरह की नाकाबंदी होनी है लगते हैं। बिल्कुल, ये कंटिन्यूसली नाकाबंदी हमारी चालू है। दरमियान पुलिस में अलग अलग स्पॉट पे जो 6 पुलिस थे उसमें 2-2, 3-3 जगह पे नाकाबंदी की बैरिकेडिंग चल रही, वहाँ पे सीनेट पे हमारे ACP और 15-20 लोगों का स्टाफ अभी खड़ा रहता है। उसी दरमियान रैंडमली 2-व्हीलर का चेकिंग होता है, अगर कोई ऐसी बात ध्यान में आती है कि चोरी की गाड़ी है कि कोई भागते हुए जा रहा है या चेन स्टैचू जैसा कोई वाकया होता है तो ताबड़तोड़ उसके बाद नाकाबंदी लगा के जो जो सस्पेक्टेड व्हीकल्स है उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि इस तरीके की अच्छी कार्रवाई ये हुई और आगे जाके भी जो है इसी तरीके का नाकाबंदी लगाई जाएगी और रेगुलरली उसके ऊपर जो जिस तरीके से ये व्हीकल है वो पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।